जो राम मंदिर इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके गर्भगृह टपक रहा है, वहां पानी भर गया, सड़कें धस रही है जगह जगह, रामपथ धस गया, एयरपोर्ट टपक रहे हैं। मोदी जी का विकास तो चिंगार चिंगार के बोल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, लीकेज का प्रॉब्लम तो है। हाँ, लीकेज मंदिर में भी है और परीक्षा में नहीं, मुझे लगता है मंदिर की लीकेज अलग है और ये एयरपोर्ट की लीकेज सरकार है और ये वीक सरकार, ये लीक सरकार, ये पैसा क्यों है, ये सबसे ज्यादा 12 पुल बिहार में गिरे। दोस्तों, राहुल गांधी के संसद में दिए गए हिंदू हिंसा वाले बयान पर सत्ता पक्ष और गोदी मीडिया का नंगा नाच जारी है। राहुल गांधी का निशाना भाजपा और आरएसएस पर था, जिसको गोदी पत्रकारों और सत्ता पक्ष के नेताओं ने पूरे हिंदू समुदाय से जोड़कर बहस को दूसरी तरफ ले जाने की अब तक जोरदार कोशिश में लगी हुई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी एनडीए और भाजपा सरकार पर ताबड़तोड़ हमला करने में लगे हुए हैं। एंकर के सवालों पर देखिए सपा प्रवक्ता का ये जोरदार डिबेट। प्रश्न ये है कि राजकुमार भाटी प्रधानमंत्री ने बोला कि ये हिंदू को हिंसक बोलना ये एक बड़े प्रयोग की तैयारी है, और सदन के अंदर बोला, क्या कहना चाहते हैं आप? आइए देखते हैं भारत। नहीं, पहली बात तो ये कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इसमें माहिर हैं कि जो उनकी तरफ तीर छोड़े जाते हैं उनकी दिशा बदलने में माहिर हैं। कोई राजनीतिक व्यक्ति इतना नासमझ नहीं हो सकता कि देश की 80% आबादी को अपमानित करके वो राजनीति करने की सोचे। इतना नासमझ कोई नहीं हो सकता। इस देश में 80% हिंदू हैं और अन्य समुदाय भी जो हैं वो भी अपने आप को हिंदू समुदाय के साथ जोड़ के देखते हैं, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, काफ़ी संख्या मुस्लिम समाज की भी है, जो मानते हैं कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, उनका भी हिंदू धर्म के साथ भाईचारा है, वो भी उन्हें शत्रु नहीं मानते। तो कौन राजनीतिक व्यक्ति होगा जो इस तरह की बात, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे, वो स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि ये बात जो हिंदू की करते हैं, ये जो हिंदू अपने आप को कहते हैं, ये हिंदुओं को हिंसक बना रहे हैं। इशारों को समझ रहा हूं मैं पूरी तरह से। मैं डॉक्टर सुधा, आपका जो इशारा था मैं उन्हीं के पास, सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई भी नहीं होगा। राजकुमार भाटी ने सही बोली थी, 80% बोली आप कंप्लीट कर लीजिए सर। दूसरी बात ये भी बहुत जरूरी है कहना जी कि हिंदू हिंदू का नारा देके ये हिंदू के नाम पे मुसलमान से हिंदू को डरा के वोट हासिल करते हैं, लेकिन हिंदुओं का ही हकों की हकमारी करते हैं, हिंदुओं के अधिकारों का हनन करते हैं। जो बात हम कई साल से कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आप बार बार टोकते हैं हमें कि बीजेपी की सरकार ओबीसी और दलित समुदायों के नौकरियों में आने से रोक रही है, उनके हक मार रही है। ये गड़बड़ है बाबा। वो अब इनकी मंत्री कह रही है, केंद्रीय मंत्री जो मोदी जी की सरकार में है, अनुप्रिया पटेल पत्र लिख के कह रही है कि यूपी में ओबीसी को भर्ती होने से रोका जा रहा है। उन्होंने प्रश्न खड़ा करा और शासन जवाब देगा। सुधांशु त्रिवेदी, इतना ना समझ तो कोई नहीं होगा। उन्होंने बहुत सही बात, कोई ना समझ नहीं है, वो बहुत समझदार है। उनको पता है 20% तो पक्का वाला वोट है और ये 80% में तो खूब टुकड़े टुकड़े करने हैं। अभी बोले ना, अगड़ा पिछड़ा, दलित सवर्ण, तमिल हिंदी, उत्तर दक्षिण, खूब 20% अपना है, 80 में टुकड़े करना है। ना समझ नहीं है, क्योंकि हिंदू समाज में एक भी जाति ऐसी नहीं जो 20% हो, इसलिए उनको अच्छी तरीके से पता है, इसलिए वो बहुत समझदारी के साथ चल रहे हैं। और इसलिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा ये प्रयोग है, मैं प्रयोग बता रहा हूं, इनके कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष रहे जो वर्तमान में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर है सतीश जारकीहोली, उन्होंने शब्द बोला था हिंदू शब्द गंदा है। सुधांशु त्रिवेदी, एक आपके, मैं उस लोकसभा सांसद का नाम भूल रहा हूं, लेकिन उन्होंने अपनी शपथ के बाद बकायदा हिंदू राष्ट्र का उद्घोष कर दिया, उन्होंने जय हिंदू राष्ट्र बोला। मतलब जब शपथ के बाद एक नारा लगाते हैं तो उसने जय हिंदू राष्ट्र बोला, तो कुछ विडंबना इनके यहाँ भी हो सकती है, लेकिन गलती तो सबके यहाँ हो सकते। छोटे से बरेली के सांसद है, मुझे ध्यान में आ गया, बरेली के सांसद सिंह गंगवार थे जी, बरेली के सांसद, बरेली के सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार थे। मगर मैं तो यहाँ ये कहना चाहूंगा, हिंदू शब्द यहाँ का है, राष्ट्र शब्द यहाँ का, मत जय फिलिस्तीन भाई, बाहर के देश पे जय फिलिस्तीन। और मैं जय फिलिस्तीन भी ऐसे नहीं बोला, सुनिए, ओवैसी ने हवा में नहीं बोला, कांग्रेस पार्टी ने सीडब्ल्यूसी में इसराइल हमास की लड़ाई में फिलिस्तीन के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। आपने यू मेड योर पॉइंट जी। नहीं, दूसरी बात सुनिए जी, जी, सोनिया गांधी ने आर्टिकल्स लिखे फिलिस्तीन के पक्ष में, इसराइल हमास के संदर्भ में। प्रियंका गांधी का ट्वीट है, अगर अंतरराष्ट्रीय विचारों पर है तो क्या चीन ताइवान के ऊपर कोई आर्टिकल आपने देखा है? कोई सीडब्ल्यूसी का प्रस्ताव देखा है? कभी कुवैत और ये बड़ा विषय हो जाएगा और इंटरनेशनल विषय हो जाएगा। मैं कहता हूं कि हम विषय पर आ जाते। नहीं नहीं जी जी जी, मुझे पता है आप अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार हो, आप इस पे बोलना चाहोगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हिंदू, देखे, हिंदू और हिंदुत्व में बहुत फर्क है। हिंदू हमारा धर्म है जिसपे हमें गर्व है, हम हिंदू हैं, हम गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। और हिंदू धर्म बहुत शानदार, बहुत उदार, बहुत प्रेम का, मोहब्बत का, भाईचारे का धर्म है। sure.
और हिंदुत्व एक राजनीतिक विचारधारा जिसे सावरकर ने दिया नाम। हिंदुत्व किताब उन्होंने लिखी 1930 में जब वो जेल में थे जी। हिंदुत्व शब्द पहली बार सावरकर की किताब हिंदुत्व में आया है। अब हमें जो उन्होंने उदाहरण दिए जितने भी वो सारे हिंदू के दिए। चलिए सर मैं उसी पर जो कविता पेश कर रहे थे, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व का नाम लिया था या हिंदू का नाम लिया था, इस पर भी क्लैरिफाई दे दीजिए। राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कोट करा था, बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। राहुल गांधी ने जो बोला मैं बोलता हूँ। राहुल गांधी ने बोला जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, आप हिंदू हो ही नहीं, उसमें हिंदुत्व का ही नहीं था। अगर इस परिभाषा से भी आते हैं, इस परिभाषा से भी आते हैं, तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व की बात नहीं करी, हिंदू की बात करी। दो वाक्य जी, जो राहुल गांधी ने जो भाषा जो होती है, भाषा में संकेत भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भाषा केवल शब्दों से ही व्यक्त नहीं होती, कई बार शब्द का अर्थ अलग होता है लेकिन संकेत दूसरा अर्थ दे देता है। राहुल गांधी इशारा करके कह रहे थे कि ये जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो बीजेपी और आरएसएस के हिंदुओं के लिए कह रहे थे, ये लोगों को हिंसक बनाने का प्रयास करते थे। हिंदू को सारे नहीं, अब शपथ का जो पूछ रहे हैं, सत्य और निष्ठा के बिना ईश्वर का क्या महत्व है? जहां सत्य और निष्ठा है तो ईश्वर अपने आप है। आप बिना सत्य के ईश्वर को मानते हैं भैया? यही चक्कर है, जब सत्य और निष्ठा है तो ईश्वर की शपथ पहले ईश्वर कहां रह गए? प्रकाश जी की बारी है, साहब प्रकाश जी पर लगा। आपके तीन चार बड़े नेता जो हैं वो तमाम लोग खड़े हो गए, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह, राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा सत्यप्रकाश जी कह रहे बिल्कुल आप मिस कर रहे हैं। नहीं मैं, राहुल गांधी जैसे ही खड़े हुए बीजेपी के सांसदों ने मोदी 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 नारे लगाने शुरू कर दिए, शोर मचाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो शुरुआत तो इन्होंने की। ओके ओके, आ भाई कैसी लगी? ये भी देखा सदन के अंदर अखिलेश जी भी बैठे थे, अखिलेश जी ने उतना हंगामा नहीं किया, अखिलेश जी ने हंगामा नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी उकसा रहे थे और कह रहे थे अपने सांसदों को वेल में आइए, लोकसभा में वो तस्वीर जा रही हुई अगले दिन। क्या आपको लगता नहीं है ये सब कुछ अवॉइडेबल था? अखिलेश जी नहीं आए, क्या अखिलेश जी गलती कर रहे थे, राहुल जी सही कर रहे थे? नहीं, आए तो वो इसलिए नहीं थे कि उस दिन अखिलेश यादव जी का जन्मदिन था, वो उसमें व्यस्त थे, लखनऊ में बहुत बड़ा आयोजन था। नहीं पर नहीं, इसलिए वो लोकसभा में नहीं आए। सदन में थे, जिस दिन राहुल गांधी का भाषण हो रहा था अखिलेश जी सदन में नहीं थे। नहीं, जो अखिलेश जी लखनऊ थे हंगामे वाले दिन इन्होंने माना कि वेल में जाना एक खराब चीज थी जो उस दिन उन्होंने करना उचित नहीं समझा अपने जन्मदिन वाले दिन। लेकिन सुधांशु जी ने जितनी बढ़िया तस्वीर मोदी जी के शासन की खींची है, मैं तो आश्चर्यचकित हूं। अब आम का सीजन है, आम पक जाते हैं, जब ज्यादा तो आम टपक जाता है, बाग में इतने आम नहीं टपक रहे जितने इनके पुल टपक रहे हैं पूरे देश में। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, 10-12 पुल गिर चुके हैं इनके जमाने। जो राम मंदिर इनका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है उसके गर्भगृह टपक रहा है, वहां पानी भर गया, सड़कें धस रही है जगह जगह, रामपथ धस गया, एयरपोर्ट टपक रहे हैं। मोदी जी का विकास तो चिंगाड़ चिंगाड़ के बोल रहा है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, सारे इतना इतना बुरे हालत, परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पर्चे आउट हो रहे हैं, सारे लीकेज का प्रॉब्लम तो है। हाँ, लीकेज मंदिर में भी है और परीक्षा में नहीं, मुझे लगता है लीकेज का प्रॉब्लम है और ये एयरपोर्ट की लीकेज सरकार है और ये वीक सरकार, ये लीक सरकार, ये बैसाखियों पर टिकी है। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं 12 पुल बिहार में गिरे हैं जिसके जमाने में बताया गया है। अरे साहब, आपकी सरकार है, ये सारे पुल 6 महीने बने थे, सारे पुल 6 महीने बने थे। अच्छा, सारे इसी शासन। हां, तो मैं यही कह रहा हूं ना, तो ये बात हो रही है किसके जमाने में बने थे? तेजस्वी जी के पास कौन सा डिपार्टमेंट था? अरे भैया, जमीन पुल जायदाद सब गुमराह करने वाली महाराज। सत्यता है वो ये है कि कुछ कट्टर हिंदू कट्टर मुसलमान हैं दोनों तरफ, वरना ज्यादा तादाद में इंसान हैं दोनों तरफ जी, दोनों तरफ कुछ खराब। संसद में राहुल गांधी अपने पहले भाषण में जमकर गरजे, जिसमें उन्होंने लगभग अपने 90 मिनट के स्पीच में तमाम वो जरूरी मुद्दे उठाए जो उठाए जाने चाहिए थे। लेकिन उन्हीं में से एक हमला जो राहुल गांधी ने भाजपा पर लगाए वो हिंदू न होने का, फिर इसी बयान को भाजपा ने पकड़ा और ऐसा तुल दिया कि बाकी मुद्दे गुम हो गए, जिस पर गोदी मीडिया भी अपना मुंह सिल कर बैठ गई है। इस डिबेट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।